आए दिन जाने अनजाने में हम ना जाने कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गलतियां देखने में तो छोटी सी लगती हैं, लेकिन उनका नुकसान बहुत बड़ा होता है। आज हम जानेंगे इंसानों की सबसे बड़ी गलतियां, जिसने लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों का नुकसान कर दिया है। नंबर वन, आज से 20 साल पहले जब वीडियो डीवीडी का दौर था, उस समय ब्लॉकबस्टर सीडीज और डीवीडी बेचने वाली एक बहुत ही फेमस कंपनी थी। और 20 साल पहले ब्लॉकबस्टर कंपनी नेटफ्लिक्स कंपनी को खरीदने का मौका मिला था, जिसे ब्लॉकबस्टर ने ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय ये डील $50 मिलियन में हो रही थी। इंडियन रुपीज की बात करें तो लगभग 40 करोड़ उस समय ब्लॉकबस्टर का नेटफ्लिक्स को ना खरीदने बहुत महंगी गलती साबित हुई, क्योंकि आज नेटफ्लिक्स की टोटल वैल्यू $20 बिलियन से भी ज्यादा है और ब्लॉकबस्टर कंपनी का आज नामो निशान तक नहीं है। नंबर टू, 2010 में जब बिटकॉइन न्यूली लॉन्च हुआ था और लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे, उस वक्त फ्लोरिडा के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर लाजेलो हैनियस के पास 10,000 से भी ज्यादा बिटकॉइंस थे। उस समय बिटकॉइन की वैल्यू कुछ खास नहीं थी। 22 मई 2010 को लाजेलो ने अपने 10,000 बिटकॉइन के बदले 2 लार्ज साइज पिज्जा ऑर्डर किए। ये पहली दफा था जब किसी ने कुछ परचेज करने के लिए बिटकॉइन का यूज किया था। उसने ट्वीट भी किया कि उसने आज 10,000 बिटकॉइन के बदले पिज्जा खरीदा। उसे अफसोस तो तब हुआ जब 2015 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $27,000 हो गई और आज 2024 में एक बिटकॉइन की वैल्यू $70,000 से भी ज्यादा है। बस तभी से 2022 को बिटकॉइन पिज्जा डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। अगर लाजलो उस दिन बिटकॉइन के बदले पिज्जा ना खरीदता तो शायद आज उसके पास बिलियन ऑफ डॉलर्स होते, जिसका उसे हमेशा अफसोस रहेगा। नंबर थ्री, आज कंप्यूटर्स के दौर में हम टाइपिंग के दौरान कितनी ही गलतियां करते हैं और ब्लैक बटन प्रेस करके उसे सुधार लेते हैं। 2005 में टोकियो स्टॉक एक्सचेंज में ऐसी ही गलती एक ब्रोकर से हुई थी। मिजुहो सिक्योरिटीज, जो जापान की सबसे बड़ी ब्रोकरेज फर्म है, ब्रोकर ने अपने क्लाइंट के 6,10,000 शेयर 1 येन के हिसाब से बेच दिए और सिर्फ 2 सेकंड बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया। उसे असल में 6,10,000 शेयर 1 येन के हिसाब से नहीं बल्कि एक शेयर 6,10,000 येन के हिसाब से बेचने थे। एक इस छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक के कारण उस ब्रोकरेज फर्म को $250 मिलियन यानी कि 1875 करोड़ का लॉस हो गया। नंबर 4, 2014 में SNCF फ्रेंच रेलवे कंपनी ने हाई स्पीड ट्रेन बनवाने के लिए ऑर्डर दिया, जिसका टोटल बजट $20 बिलियन यानी कि 1400 अरब रुपए। लेकिन ऑर्डर देते समय हुई छोटी सी गलती, जिसके बारे में शायद खुद फ्रेंच रेलवे भी नहीं जानता था, और ये गलती तो तब सामने आई जब पहली बार ट्रेन तैयार हो गई। जो ट्रेन बनी थी वो अब रेलवे प्लेटफॉर्म पर ही फिट नहीं आ रही थी। पहले तो वर्कर्स को लगा कि शायद प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन बाद में पता चला कि असल में ट्रेन ही बड़ी बनी थी। लेकिन अब कुछ भी ठीक कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि बाकी ट्रेन भी सेम साइज को ध्यान में रखकर बनाई जा रही थी, जो अफसोस फ्रांस के 1300 से भी ज्यादा स्टेशन पर फिट नहीं हो सकता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि गलती साइज मेजरमेंट के दौरान हुई है। आखिर में फ्रांस के 1300 प्लेटफॉर्म को छोटा करवाया गया, जिसमें लगभग 412 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। नंबर 5, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजायक से हमने काफी कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। शुरुआती दिनों में एप्पल का तीसरा एक और फाउंडर भी था, रोनाल्ड वाइनी, जिसके पास एप्पल की 10% शेयर थे। लेकिन फाउंडर बनने के लिए 12 दिनों के बाद ही रोनाल्ड ने अपने 10% शेयर स्टीव जॉब्स को बेच दिए, और वो भी सिर्फ $800 में। और आज के समय एप्पल कंपनी की वर्थ $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है और रोनाल्ड की 10% शेयर की वैल्यू आज तकरीबन $250 बिलियन है, जिसका उन्हें आज भी अफसोस है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।